हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 को मैंने आपके लिए लिया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से ऐड, ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के आपके दो तरीके हैं, एक तो एक ही लाइन में उसको लिख के और एक कॉलम मेथड होता है आपका। तो वो दोनों ही तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो यहाँ से जो है इसको मैं कॉलम मेथड से करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 12.5x² फिर -15x+7, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x² वाली टर्म लिखते हैं यहाँ से। तो ये आ गया आपका 2.25x², ठीक है, 2.25। फिर इसके नीचे क्या करना है, x वाली टर्म, तो ये -6x, -6x, फिर उसके बाद -3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म, तो ये क्या आएगा, 5.6x², ठीक है। उसके बाद -2.5x, तो -2.5x हो गया। उसके बाद +13 हो गया। अब इनको सभी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग इस साइड से ऐड कर सकते हैं, इस साइड से ऐड कर सकते हैं, किसी साइड से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x² तो आपका है ही इसमें, x² x² x², अब इनको आपको ऐड करना है, यहाँ से ये चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ, यहाँ भी जीरो कर देता हूँ। तो पॉइंट के बाद टू टू प्लेसेज हो गए ना इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 5 आएगा, ये 5 और 2 7, 7 और 6 13 आ गए, और ये पॉइंट आ गया, एक असल लग गई थी। तो यहाँ पे 2 2 4 5 9 और 1 10, और ये 2 आ गए, ठीक है, 20.3x². अब इनका कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे माइनस के, तो साइन तो आएगा माइनस का, ठीक है। तो 15 और 6 21 21 और 2 23 और 0.5, ये तो 23.5x। अब इसका कर लेते हैं, अब इसमें देखते हैं प्लस का कौन सा माइनस का कौन सा है। तो ये 7 प्लस के हैं और 13 प्लस के, तो 20 हो गए, 20 में से 3 गए तो 17 हो गए, ठीक है। तो आपका जो लास्ट में आंसर रहेगा, 20.35x² -23.5x और -17, इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि 7 और ये 13 थे ना, तो प्लस के थे, तो और 3 माइनस के, तो यहाँ पे प्लस के आएंगे, यहाँ पे 17 है वो प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का ही करना है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का, तो जो साइन हमारे पास बड़े नंबर के साथ है, तो वही साइन आपको नीचे करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन करना है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे प्लस साइन आपको कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें भी वही वैसे ही है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। तो यहाँ पे 1/3x² -2/3y और +11z, उसके बाद प्लस है ना, तो ये प्लस करना पड़ेगा आपको, और प्लस के बाद यहाँ पे -7/9x², ठीक है, और माइनस के, चलो यहाँ पे मैं 13z कर देता हूँ और +y कर देता हूँ। अगर प्लस करना है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम साइन लगा सकते हैं, तो 23/3x² और -4y, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये x² वाली टर्म है, यहाँ भी x² वाली टर्म है, और यहाँ भी x² वाली टर्म है, तो x² को हम लोग बाहर लिखते हैं, यहाँ से x² हो गया। x² के साथ क्या था, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे क्या था, -7/9 था, तो ये -7/9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे +23/3 था, तो ये x² वाली टर्म हमने कलेक्ट कर ली। अब y वाली टर्म को कलेक्ट करते हैं, तो y वाली टर्म को कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो y की टर्म ये है, और एक y की टर्म ये है, और एक y की टर्म ये है, ठीक है। तो ये -2/3 और एक y की टर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे -4 है, ठीक है। और इसके साथ मैं y कर देता हूँ, y वाली टर्म भी होगी। अभी z की टर्म देख लेते हैं, तो z की टर्म यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो इसका तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं, 11z प्लस के और 13z माइनस के, तो माइनस के 2z में सीधे ही कर देता हूँ, -2z, ठीक है, ये सीधे सीधे माइनस हो सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन नहीं था। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर हम इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना है आपका, 9 आ गया, ठीक है।
तो ये आपका 3 आ गया माइनस, ठीक है, ये 7 आ गया, और इसको यहाँ से किया तो 3 3 जा, तो ये प्लस के 69 आ गए, और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ चलता ही रहेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इनको करते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ पे -2/3 है, और ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे माइनस के, इनको दोनों को सेल 3/1 कर दिया, यहाँ पे वाई आ गया, और माइनस के 2z। अभी इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं, तो इसका तो जब सोल्व करते हैं तो ये तो नीचे तो आपका 9 आएगा ही आएगा, और ऊपर कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 3 और ये 69 कितने हो गए, 72, 72 में से 7 गए तो कितने बचे, 65, ठीक है, तो ये 65, ठीक है, और ये एक्स स्क्वेयर। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये साइन तो आएगा दोनों ही माइनस के, तो साइन तो आएगा माइनस का ही, चलो बाद में कर लेते हैं इसको, एक स्टेप और कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पे माइनस के 9 आ गए, और ये वाई, और माइनस के 2z। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 65/9x², और ये करते हैं तो ये कितना आ गया, -11/3y, और माइनस के 2z। इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग अपने ये फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, ये है 3x² -7x² और 1/5x², तो ये इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सीधे ही कर लेते हैं, 3x² -7x² और +1/5x², ठीक है। तो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², तो x² तो आपका बाहर ले लेंगे, और ये नंबर हम अंदर डाल देंगे x², ठीक है। तो ये 3 -7 और +1/5, ठीक है। तो जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितने हो गए, -4 हो गए, इनको दोनों को चल गया -4/1 कर दिया, +1/5 कर दिया, और ये x² आपका चलता ही रहेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस के 20 हो गई, इसके साथ एलसीएम लिया तो, और यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, और इसके साथ क्या चलेगा, x². तो ये जब लास्ट में हम जो सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस के 20 प्लस का 1, तो माइनस के 19/5, और ये x². इस तरह से स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, तो इसी तरह से आप लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा टाइम हो गया होमवर्क का, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 9.1 को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।